Mangalmaitri students, today we are going to revise the further exercise work of chapter number 4, the story of Amrita. Under this category, our first question is, match the following. The first one is, Khejadi can grow without much water. जो खेजादी tree है, वो कैसे grow करता है, उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें नहीं होती. सेकेंड, बार्क ऑफ खेजादी, जो उसकी बार्क है वो किस लिए इस्तेमाल होती है. इट इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिंस, उससे दवाइयां बनती हैं. थर्ड वन, पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, दैट इज बीन्स. जो लोग हैं उसके जो फ्रूट्स हैं, बीन्स जो हैं, उसकी वो सब्जी बनाकर खाते हैं. फोर्थ वन, its wood is not affected by insects. जो उसकी लकड़ी है वो इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होती, उससे लगने से वो खराब नहीं होती है. नंबर फाइव, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड. जो बच्चे हैं वो उसकी शेड में खेलना वहां के लोग पसंद करते हैं. नंबर सिक्स, एनिमल्स ईट द लीव्स ऑफ खेजादी. जो वो पेड़ है उसकी सारी चीजें किसी ना किसी रूप में काम में आती हैं. यानी उसकी जो लीव्स हैं वो भी काम में आती हैं, उसे वहां के जो जानवर हैं उसे वो खाते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट ऑन खेजादी ट्री. अब हम अगला क्वेश्चन जो है, जो शॉर्ट नोट है खेजादी ट्री के बारे में हम और पढ़ेंगे. सी, this is a khejadi tree. Number one, khejadi tree is mainly found mainly in desert areas. ये जो khejadi tree है ये desert area में पाया जाता है. क्यों? Because it can grow without much water. इसको grow करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ये desert area में पाया जाता है. People can cook and eat its fruit. जो वहां के लोग हैं वो इस पेड़ की जो फ्रूट है, जो बीन्स है, जो उनको पकाकर खाते हैं. इट्स बार्क इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिंस. उसकी जो बार्क है उससे मेडिसिंस बनाई जाती हैं. इट्स वुड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स. उसकी जो लकड़ी है उसे इंसेक्ट्स नुकसान नहीं पहुंचा पाते. उससे बनी हुई जो चीजें हैं, उसकी लकड़ी से बनी हुई जो चीजें हैं, उन्हें इंसेक्ट्स नुकसान नहीं पहुंचा सकते. एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ दिस ट्री. जो एनिमल्स हैं इस एरिया के वो इसकी लीव्स खाते हैं. चिल्ड्रन लाइक टू प्ले अंडर द ट्री शेड. और यहाँ के जो बच्चे हैं उसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं. Our next question is, answer in one word or one sentence. The first question is, how did the day of little Amrita usually begin? जो वो छोटी बच्ची है अमृता, उसके दिन की शुरुआत कैसे होती थी? The answer is, Amrita started her day by meeting and greeting her tree friends. जो अमृता थी वो सुबह उठकर सबसे पहले अपने ट्री फ्रेंड्स के पास, जो उसके फ्रेंड्स कौन थे, ट्रीज थे, उनके पास वो जाती थी और उनसे वो मिलती थी और उनको विश करती थी. जैसे हम सुबह उठकर अपने बड़ों को विश करते हैं, वैसे वो उनके पास जाकर उन्हें विश करती थी. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हेन अमृता ग्रू अप व्हाई डिड स्ट्रेंजर विजिट हर विलेज. जब अमृता बड़ी हो गई तो कुछ स्ट्रेंजर्स उसके गाँव में क्यों आए. The answer is, stranger came to the village to cut the trees on the king's order to build king's palace. जो strangers थे वो village क्यों आए थे, वो पेड़ काटने आए थे. कि राजा ने जो है, वहां के राजा ने उन्हें order दिया था कि वो उस गांव के पेड़ों को काट के लाए जिससे उनका जो महल है वो बन सके. The next question is, when Amrita hugged a tree, what did the woodcutter do before killing her? जब अमृता ने पेड़ों को जोर से हग कर लिया, पकड़ लिया,
तो वुड कटर ने क्या कहा? द आंसर इज द वुड कटर शाउटेड एंड थ्रेटन्ड हर टू मूव अवे फ्रॉम द ट्रीज। तो जो वो वुड कटर था वो उस पर जोर से चिल्लाया और उसने उसको गुस्सा भी किया कि वो पेड़ों से दूर हट जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द किंग नॉट बिलीव। राजा किस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था? द आंसर इज द किंग कुड नॉट बिलीव दैट द विलेजर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। राजा को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उस गांव के लोगों ने अपना जो जीवन है वो सेक्रीफाइस कर दिया। किस वजह से? सिर्फ उन पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच एरिया इज द खेजादी ट्री यूजली फाउंड। जो खेजादी ट्री है वो किस एरिया में पाया जाता है? द आंसर इज खेजादी ट्रीज आर फाउंड इन खेजादी विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान स्टेट। जो खेजादी ट्री है वो खेजादली विलेज में पाए जाते हैं जो कि जोधपुर के पास है राजस्थान स्टेट में। अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन दिस कैटेगरी आर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड अमृता लिव। अमृता कहाँ रहती थी? अमृता लिव्ड इन खेजादली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। अमृता जो है वो खेजादली विलेज में रहती थी जो जोधपुर के पास राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डिड द एल्डर्स ऑफ खेजादली विलेज यूज टू से। खेजादली विलेज के जो वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते थे? द आंसर इज एल्डर्स ऑफ द खेजादली विलेज यूज टू से दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। वहां के जो बुजुर्ग लोग थे वो ये कहते थे कि जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं वो हमारे बगैर जीवित रह सकते हैं लेकिन हम लोग हम इंसान जो हैं वो उनके बगैर जीवित नहीं रह सकते। नेक्स्ट व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द पीपल ऑफ खेजादली विलेज। यहाँ के लोगों की क्या विशेषता है? द पीपल ऑफ खेजादली विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ के लोग जो हैं वो अपने गाँव के जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। नेक्स्ट व्हाई डिड द किंग सेंड हिज मेन टू द विलेज। राजा ने अपने लोग गांव में क्यों भेजे थे? आंसर द किंग हैड सेंड हिज मेन टू द विलेज टू कट ट्रीज फॉर वुड। राजा ने अपने आदमी विलेज में इसलिए गांव में इसलिए भेजे थे जिससे वो पेड़ों को काट कर लाए और उनकी लकड़ियों से की उन्हें जरूरत थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द बिस्नॉयस। बिस्नॉयस कौन है? हमने अपनी वीडियो में भी इनके बारे में पढ़ा था। पीपल हु प्रोटेक्ट प्लांट्स ट्रीज एंड एनिमल्स इन खेजादली विलेज आर कॉल्ड बिस्नॉयस। जो लोग वहां के प्लांट्स की ट्रीज की और एनिमल्स की देखभाल करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? बिस्नॉयस कहते हैं। ये एक तरह की कम्युनिटी है जो लोग इनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई आर ट्रीज प्लांटेड ऑन रोड साइड। जो पेड़ है उन्हें रोड साइड साइडों में क्यों उन्हें वहां पे प्लांट किया जाता है, क्यों बोया जाता है? आंसर इज ट्रीज आर प्लांटेड ऑन रोड साइड टू प्रोवाइड नंबर वन शेल्टर, नंबर टू फ्रेश एयर, नंबर थ्री लैंडस्केपिंग, नंबर फोर मिनिमाइजिंग रोड साइड मेंटेनेंस, नंबर फाइव शील्डिंग विंड्स एटसेट्रा। नंबर थ्री व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ खेजादी ट्री। खेजादी ट्री के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं अपने वीडियो में। द बेनिफिट्स ऑफ खेजादी ट्रीज आर नंबर वन इट कैन ग्रो विदाउट मच वॉटर, its bark is used for making medicines, people cook and eats its fruits, its wood is not affected by insects, animal in this area eat the leaves of this tree। ये सारे पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
कि ये इसको ग्रो करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसकी बाग से मेडिसिंस बनती हैं, इसकी जो फ्रूट है उसको उसकी सब्जी बनाकर लोग बाग खाते हैं, वुड जो है वो इंसेक्ट से इफेक्ट नहीं होती है, और जो यहाँ के एनिमल्स हैं उसकी वो लीव्स को खाते हैं। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन, हम कैसे पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय नंबर वन यूजिंग पेपर वाइजली, कि हम उसका इस्तेमाल सही से करें, प्लांट अ ट्री पेड़ों को लगाएं, विजिट द फॉरेस्ट वहां पर जाएं, प्ले एंड क्रिएट विथ ट्रैश जो वेस्ट मटेरियल है उनसे हम चीजें बनाएं और उनसे हम खेलें, बोरो शेयर एंड डोनेट बुक्स कि जो बुक्स हमारे पास फालतू पड़ी हैं जो हमारी यूज नहीं हो रही, हो सकता है वो किसी और के काम आ सकती हैं तो हमें उनको डोनेट करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है और दूसरे के पास है तो आपस में भी हम एक दूसरे को देकर शेयर कर कर एक दूसरे की बुक से भी हम काम चला सकते हैं। अ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द आंसर्स। अब हम मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, उन्हें आपको देखना है और उन पिक्चर्स को देख के आपको उसका आंसर देना है। द फर्स्ट वन इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा हमारा नेशनल ट्री क्यों क्या है। सी अ नेशनल ट्री इज बनियन ट्री। सेकेंड अ ट्री हैविंग हाई मेडिसिनल वैल्यू, एक ऐसा पेड़ हमें बताना है जिससे मेडिसिन्स बनती हैं। यस दिस इज तुलसी। द नेक्स्ट वन अ ट्री हुज लीव्स आर यूज्ड टू मेक थैश्ड रूफ्स हैट्स एंड बास्केट्स। हमें ऐसा ट्री बनाना है जिसकी पत्तियों को इन इन कामों में इस्तेमाल किया जाता है। यस दिस इज पाम ट्री। नंबर फोर अ ट्री कॉमनली सीन इन राजस्थान, पूरे चैप्टर में हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं। द आंसर इज खेजादी ट्री। नेक्स्ट द बिगेस्ट हर्ब विच लुक एज अ ट्री, ये एक हर्ब है लेकिन वो ट्री की तरह दिखती है। द आंसर इज बनाना। सो स्टूडेंट्स आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड चैप्टर नंबर फोर थ्रू बोथ दीज वीडियोज। सो योर टूडेज वर्क इज दैट यू हैव टू रिवाइज चैप्टर नंबर फोर एंड लर्न इट केयरफुली। थैंक यू स्टूडेंट्स।